हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे आलू और कचालू की चटपटी टेस्टी डिलीशियस चाट, जो कि घर पे आप बहुत इजीली बना सकते हो और 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। आजकल गर्मियां चल रही है, गर्मियों में कुछ अगर चटपटा खाने का मन करे तो आप इस चाट को बना सकते हो। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू और कचालू दोनों का यूज़ किया। आजकल कचालू मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएंगे, आलू तो आपको हर सीजन में मिल ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू और कचालू को दोनों को उबाल लेंगे। कुकर में हमें जो है आलू कचालू डाल लेने हैं, पानी डालेंगे और उसे 2 से 3 विसल आने तक पका लेंगे। आलू कचालू को हमें 90% तक जो है पका लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इन्हें उबाल लिया है, तो इसका छिलका जो है हम निकाल लेंगे और इसे मनचाहे आकार में काट लेंगे। मैंने यहाँ पे जो है चकोर टुकड़ों में इसे कट किया है, तो ये देखिए ये जो चाट है बिल्कुल मार्केट जैसी बनने वाली है। आप इस चाट को घर पे ज़रूर ट्राई करें और आपको ये चाट जो है बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप एक बार बनाओगे तो आप बार बार इस चाट को बनाओगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है इसे काट लिया है, तो दूसरी तरफ मैंने जो है पैन में तेल को गर्म कर लिया है। तेल मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे हम आलू कचालू और इसे हाई फ्लेम पे हम जो है फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। बिल्कुल जो है आलू कचालू क्रिस्पी हो जाने चाहिए, कुरकुरे। 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे इस तरह से ही रहने देंगे ताकि जो है ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। और उसके बाद इसे इस तरह से हिलाते हुए हम हाई फ्लेम पे सुनहरा होने तक भून लेंगे। इसका क्रिस्पी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी जो चाट है वो टेस्टी बनेगी और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगी। तो ये देखिए हमारे जो आलू कचालू है गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं। इसमें कम से कम 4 से 5 मिनट आपके जो है लग जाते हैं और लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि जले नहीं। तो ये देखिए हमारे जो आलू कचालू है बिल्कुल तैयार है, क्रिस्पी हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन यानी सुनहरा हो चुके हैं। तो इसे मैं निकाल लूंगी। तो ये देखिए बहुत ही कुरकुरे बने हैं और अभी हम इसमें डालेंगे कुछ चीजें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ डाला है 1/4 छोटा चम्मच सफेद नमक और 1/4 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, ये कलर वाली है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होती है ये। और 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा जो आता है उसका पाउडर, और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। चाट मसाला छिड़केंगे, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाट में। तो यहाँ पे मैं जो है 1/2 छोटा चम्मच इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 1/4 छोटा चम्मच काला नमक। और अब मैं इसमें डालूंगी इमली की मीठी चटनी 2 बड़े चम्मच, या ये जो है आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, आपको कितना मीठा इसमें चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है 2 बड़े चम्मच इमली के डाले हैं इसमें, ये मीठी वाली है। और डालेंगे 1 नींबू का रस, और इसके बाद इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। ताकि सारी चीजें जो है आलू कचालू में अच्छे से लिपट जाएं। तो आप देख सकते हो कलर कितना सुंदर लग रहा है, देखने में ही ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है देख के। तो सर्व करेंगे मार्केट स्टाइल में, जैसे स्ट्रीट में जो है, स्ट्रीट में आप जाते हो वहाँ पे इस तरह के जो है दोनों में आपको सर्व किया जाता है चाट, उसी तरह से मैंने यहाँ पे सर्व किया है। बहुत ही अट्रैक्टिव डिलीशियस लगता है, इस तरह से देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी मज़ा आ जाता है ऐसे। तो आप इस चाट को घर पर ज़रूर ट्राई करें, बनाने में बहुत ही इजी है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आशीष किचन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।